नमस्कार, हमारे साथ आज एक सर जुड़े हैं जिसका कहना है कि कैंपा जो इसका फंडिंग स्कीम है उसमें बहुत सारा घोटाला चल रहा है, तो उसी से जानेंगे कि आखिर ये क्या बात है। सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं ताई शिवा और दोईमुख में प्रेजेंट भी रहता है। ओरिजिनली हम कुरुंग कुमे का है, तो हम लोग कैंपा का एगेंस्ट में लगातार अभी RTI का जरे मैंने साल भर करके मैंने प्रूव हो गया, मान लो प्रूव हो गया कैंपा स्कीम मिस अप्रोप्रिएशन था 1200 करोड़ जैसे मिस यूज हो गया 2011-12 से लेकर अभी तक, तो उसका एगेंस्ट में हम लोग प्रूव हो गया। क्योंकि उन लोग पैसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साल साल में एनुअल ऑपरेशन ऑफ प्लान APO बोल के यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये लोग स्कीम बनाता है, तो जियो टेक मान मर्जी जंगल को खींच के, जैसे कि ऑलरेडी आप 100% फॉरेस्ट कवर है, ऑलरेडी जंगल है, मतलब उसमें आप प्लांटेशन के लिए आप जियो टेक करके पैसा नहीं उठा सकता है। आप प्लांटेशन तो काली जगह में जहाँ पेड़ नहीं है उसमें लगाना पड़ेगा, नियम जो ऐसा होता है। तो ऐसा करके मैंने और फॉरेस्ट ऑलरेडी रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलरेडी फॉरेस्ट को मैंने रिजर्व फॉरेस्ट है उस जगह को भी उन लोग जियो टेक करके पैसा उठाया है। हर डिस्ट्रिक्ट का नाम पे लोकेशन जहाँ तहाँ लोकेशन जियो टेक करके, और ये टाउन आदमी जो सेटलमेंट ऑलरेडी है उसको भी जियो टेक कर मान मर्जी जो कहीं कहीं जियो टेक नंबर मैच भी नहीं है, मान मर्जी ऐसा करके तो ऐसे पैसा उठाया है। और उन लोग उन लोग कौन हम जानना चाहेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये कैंपा का तो चेयरमैन हमारा CM पेमा कांदू है, CM भी है, वो कैंपा का चेयरमैन है, और कंसर्न मिनिस्टर तो मामा नातुंग है ना, तो उन लोग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब हम तो दिए पोल लोग को इतना तक तो हम दाउत नहीं, तोरा मोरा तो उसको चाय पानी के लिए यहाँ से बेच देता होगा, लेकिन असली घोटाला तो हम यहाँ में माल यहाँ में ख़त्म हुआ है हमको लगता है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट DAPO लोग ये क्या बोलता है आपका प्लांटेशन के लिए उन लोग कुछ स्कीम भी जो रोड प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन है ना उसका जितना पेड़ डैमेज हुआ है उसका फॉरेस्ट DAPO लोग असेसमेंट करना होता है ना, कितना पेड़ ये रोड कंस्ट्रक्शन करने में कितना गया है, तो DAPO लोग उसको असेसमेंट करना करता है। लेकिन यहाँ में हमको लगता है DAPO डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये सब असेसमेंट भी करने नहीं देता, ये फॉरेस्ट PCCF ऑफिस है, सब कुछ यहाँ से तैयारी होके हमारा स्टेट गवर्नमेंट का साथ तालमेल होके पूरा यहाँ पैक बना के उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉरेस्ट को देखा के, ऑलरेडी फॉरेस्ट है उसको देखा के, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिनिस्ट्री लेवल से आपका फॉरेस्ट अथॉरिटी लेवल हमारा अरुणाचल के लिए मान मर्जी थोड़ा चेक एंड बैलेंस वहाँ से भी करना चाहिए, ऐसे मान मर्जी करके एकदम एक स्कीम बना के उधर भेज रहा है और पैसा यहाँ भेज के डिस्ट्रिक्ट को भेजा है, बोके सिंगसन उधर इतना ज़्यादा बॉलिंग निमिश बना के रखा है, बॉलिंग निमिश होने से भी हम लोग मालूम हो जाएगा। अभी से हम लोग काल से पपुम पारे से लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज में आप जो सिंगसन उधर में APO में आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जियो तक लोकेशन देखा रहा उस जगह में हम लोग जाएगा, जाके फिर आप लोग को हम लोग अपडेट करेगा। ओके, तो आपने कार्रवाई करने के लिए कोशिश नहीं किया जो ऊपर में जो बेटे हैं उन लोगों से बात करके? ऊपर मतलब ऊपर जो होता है ना, नहीं हम तो ये कैंपा के लिए हम तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पूरा अथॉरिटीज का साथ हम लोग पूरा लेटर लिखा भी है इम्प्लीमेंटेशन कैंपा पान इम्प्लीमेंटेशन करो एफॉरेस्टेशन करो, क्योंकि पूरा यहाँ में कहीं भी प्लांटेशन नहीं हुआ है, इसलिए प्लांटेशन होना क्योंकि ज़रूरी है ना, और प्लांटेशन नहीं होगा तो हम लोग भी कैसे जिएगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी लिखा है, उन लोग जो मॉनिटरिंग टीम भेजता है हमको मालूम नहीं है, फ़ोन करने से कहाँ पता ही नहीं चला है उन लोग मॉनिटरिंग कहाँ में गायब होता है। तो इसमें मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ खेल नहीं है, वहाँ का भी सेंट्रल अथॉरिटी का भी पूरा तालमेल होकर वो कर रहा किया है, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी देखिए ना, आप फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के लिए आपको जिस रोड में आप कटेगा ना फॉरेस्ट क्लियरेंस आगे होना पड़ता है, आप वो फॉरेस्ट क्लियरेंस में आप कौन सा जगह में प्लांटेशन लगाएगा, आप जमीन किसका जमीन है, डिटेल होकर आप फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है, मान मर्जी फॉरेस्ट क्लियरेंस मान मर्जी जियो टैगिंग मान मर्जी लोकेशन देखा कर पैसा उधर से यहाँ था ऐसे तालमेल होकर पूरा खत्म कर रहा है।
तो ये महीना में भी ये पैसा सेम पैसा को फिर अभी मिसयूज करने जा रहा है। इसको हम लोग अभी करेगा तो अच्छा है, हम लोग करते रहेगा, चोरेगा ही नहीं है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पॉलिटिकल मोटिव लेकर आया है बोल के कोई कह भी सकता है, तो उसका ऊपर में आप क्या कमेंट करेंगे? पॉलिटिकल तो हम लेदर शेदर तो हम आने वाला, हम कैसे लेदर आएगा? हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी हो कांग्रेस हो अरुणाचल में तो पार्टी को हम लोग बदनाम नहीं देगा। वो आदमी लोग कई लेदर लोग कई ऑफिसर लोग जो करते थे उसका हम लोग जो करप्शन है उससे बर्दा से बाहर है। कोई मेरा तो कोई किसी को बेनिफिट पहुँचाने के लिए हम तो पॉलिटिकली मेरा टोटली कोई लिंक नहीं है। नहीं, ज़्यादा तरफ जो पॉलिटिक्स खेलने वाला तो वर्कर ही होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का। तो आपको अगर कल कोई ऐसे बोलता है कि आप कोई पॉलिटिकल मोटिव का साथ आकर यहाँ पर प्रेस ब्रीफ किया बोल के, तो तब आपका जवाब क्या होगा? हम पॉलिटिकल मोटिव से तो हम कोई किसी को हम तो पार्टी हम लीडर सदर तो मेरा तो है ही नहीं है। हम तो कोई पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल मोटिव बोला, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मतलब कोई पार्टी ऐसा इशू में अगर हमारा साथ इशू को ले जाएगा तो हम रेडी है पॉलिटिकल उसको जिस पार्टी को मेरा इशू को पब्लिक के लिए काम करने वाला को अगर पार्टी अगर साथ देता है तो उसको बेनिफिट मिलने दो, मोती मिलने दो। लेकिन मेरा पर्सनल हम उस पार्टी को आगे उतारना है, हम लीडर बनना है, ऐसे तो मेरा तो कोई पॉलिटिक्स अभी तक हम लोग बूथ चत भी इंटरेस्ट भी नहीं।